हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम फूड इज़ गुड। तो आज हम बनाने वाले हैं मटर कुलचे। तो मैंने यहाँ पे मटर पहले से ही एक दिन पहले रात को भिगो के रख लिए थे और अच्छे से वो फूल गए, तो मैंने उसका पानी निकाल के डाल दिया कुकर में सारे मटरों को। और फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया एक बॉटल पूरी पानी की। आप जितने मटर बना रहे हो उसके हिसाब से एस्टिमेट ले सकते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला थोड़ा सा मीठा सोडा ताकि ये अच्छे से फूल जाएं, कोई भी कच्चे ना रह जाए। बिल्कुल थोड़ा सा डाल रही हूँ, ज़्यादा मत डालिएगा। और फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया नमक स्वाद के अनुसार, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लिए हैं 7-8 पीसेस आमले के। तो आमला मैं इसलिए डाल रही हूँ सूखा हुआ ताकि इसका कलर एकदम ब्राउनिश आ जाए, जैसे बाहर मिलते हैं वैसे ही बने। तो इसको मैंने सिम गैस पे कर दिया और इसको दिलाई मैंने अराउंड 10 सीटी। और 10 सीटी दिलाने के बाद ये मटर बिल्कुल हो गए थे सॉफ्ट, और आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल ऐसा आया जैसे बाहर कुलचों के साथ खाने के बाद आता है। और फिर ये मैंने लिए आमले, आमलों को मैंने निकाल दिया ताकि किसी के मुंह में ना आए, और अच्छे से आप देख सकते हैं सारे आमलों को मैंने निकाल दिया। क्या होता है ना, जब खाने के बाद आमला आता है तो मुँह में थोड़ा सा अलग सा टेस्ट आ जाता है, तो इसलिए मैं बेटर है मैं पहले ही निकाल देती हूँ ताकि सिर्फ कलर आए। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ रहा है, और चने बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, मेरे मटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। तो मैंने यहाँ पे ली एक तड़केदानी कढ़ाई और उसमें डाला तेल और लगाया हींग और जीरे का छोंक, और छोंक लगाते सार मैंने यहाँ पे डाला आमचूर पाउडर डाल दिया ताकि इसका बिल्कुल चटपटा टेस्ट आए, और साथ ही साथ मैंने गरम मसाला डाल दिया। और फिर मैंने इसको अच्छे से चम्मच की हेल्प से थोड़ा सा मिक्स कर लिया और ये मेरा मसाला हो गया तैयार। और फिर मैंने गैस को थोड़ा सा कम सिम पे कर दिया था, और फिर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली और ये डाल दी मैंने अपने मटरों में, और इसको एकदम से अच्छे से मिक्स कर लिया। बहुत ही इजी है बनाना, बहुत ही इजी रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने लिया थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और उसे अच्छे से कूट के मैंने डाल दिया उसी सारे बैटर में, और साथ में डाल दिया थोड़ा सा मैंने नमक और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ताकि इसका फ्लेवर ही बहुत इन्हेंस हो जाए और बहुत ही अच्छा टेस्ट आए। और ये मेरे मटर हो गए शानदार तैयार, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल बाजार जैसे। आप खाएं इसे कुलचों के संग, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप साथ ही साथ इसके ऊपर कटे हुए प्याज और टमाटर डाल के भी खा सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट।